Welcome to JB Technicians. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं JB Technicians. दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको UPS के बारे में बताएंगे, SimTech UPS के बारे में. दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक SimTech का UPS है और मैं आपको बताऊं कि ये 1500VA 12V 6+6 यानी कि इस पे हम 6 पंखे 6 लाइट जला सकते हैं और इसके साथ सिंगल बैटरी लगेगी और ये हमें जो है वो 1200 यानी के वाट जो है वो देगा. ये आप देख रहे हैं कि इसका स्विच है. दोस्तों इसमें दो ऑप्शन है, इन्वर्टर के भी और यूपीएस के भी. इन्वर्टर का मतलब ये है कि जब भी आप यूपीएस हमारा ऑन होगा तो हमें इन्वर्टर पे, जब इन्वर्टर की पोजीशन में होगा तो हमें ये एहसास होगा, महसूस होता है कि अभी हम यानी के इन्वर्टर पे चले गए हैं. इसका महसूस होने का जो टाइम है वो खाली मिली सेकेंड में होता है, ठीक. और दूसरी बात यह है कि जब हम इसको यूपीएस मोड में रखते हैं तो यूपीएस मोड में आपको ये होगा तो आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं होगा कि हमारी लाइट यानी कि गई है या लाइट बंद हुई है या नहीं हुई, या अभी हम यूपीएस पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. तो इसमें दोनों मोड है यानी इन्वर्टर का भी और यूपीएस का भी. लेकिन जब ये आप देख रहे हैं कि हमारा यूपीएस ऑन हालत में है तो जब इसको हमने यूपीएस मोड पे रखना है तो हल्का सा हमने एक दफ़ा इसको प्रेस करना है. तो आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन लाइट जो ऑन हुई है तो ये हमें बता रही है कि इस वक्त ये यूपीएस के मोड में है, ठीक. इसके बाद मैं आपको मीटर के बारे में बता दूं. आप देख रहे हैं कि मीटर में हमें ये इनपुट वोल्टेज बता रहा है, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज, ठीक है. नीचे ये हमें परसेंटेज बताता है जो कि जब हमारा यूपीएस ऑन हालत में होता है हम कितने परसेंट लोड जो है इसके ऊपर चल रहा है तो वो बताएगा. अभी आप देख रहे हैं कि ये 0-0 की हालत में है. इसके साथ आ जाए तो हमें ये बैटरी की पोजीशन बताता है. ये बता रहा है कि अभी जो हमारी बैटरी है वो 100% चार्ज है, फुल है, ठीक. दूसरी आपको देख रहे हैं कि ये हमारे साथ एक छोटी सी बैटरी का इसने, ठीक है, लोगो बनाया हुआ है. ये बैटरी नज़र आ रही है, ठीक. जब ये बैटरी चार्ज हो रही होगी दोस्तों, इसमें आप देखेंगे जहाँ पे अभी एक छोटी सी लाइन है, ठीक है, ये लाइन बता रही है कि हमारी जो बैटरी ना चार्ज हो रही है और ना ही यूज़ हो रही है, ठीक. तो जब ये हमारी बैटरी यूज़ हो रही होगी तो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये एक एरो का बन जाएगी और एरो हमारा ऊपर की तरफ होगा, ठीक, जब हमारी जो बैटरी हम या यूपीएस ऑन हालत में होगा. दूसरी बात, जब यूपीएस हमारा जो है बैटरी को चार्ज कर रहा होगा तो यही लाइन का एरो जो है वो नीचे की साइड में आ रहा होगा कि यानी कि हमारी बैटरी इस वक्त चार्ज हो रही है, ठीक. इसके बाद मैं आपको इसके बता दूं कि इसमें जो कंपनी ने हमें दो आउटपुट सॉकेट दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों. ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों आउटपुट के सॉकेट हैं, ठीक. इसके बाद ये दो लीड जो माइनस प्लस की 12 वो बैटरी को चार्ज करने के लिए है. इसके बाद ये अपना जो यूपीएस को पावर चाहिए ये उसकी लाइन है, ठीक है. इसके साथ हमें एक छोटा सा ब्रेकर भी लगा हुआ है यूपीएस में, जो कि किसी खराबी की वजह से अगर ट्रिप हो जाता है तो ये यूपीएस के ये अपना ब्रेकर के जरिए हम इसको दोबारा से रीसेट कर लेंगे. ख़ास बात आप ये देख रहे हैं कि इसमें एक एग्जॉस्ट फैन है, ठीक है. एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है जो कि ये एक ऑटो एग्जॉस्ट है. जब ये यूपीएस गर्म होगा और इसके हीट इतनी होगी कि इसको यानी कि एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत है तो ये एग्जॉस्ट फैन चलना शुरू हो जाएगा. यानी कि ये एग्जॉस्ट फैन ऑटो चलता है जब इसमें इतनी हीट होगी कि इसको एग्जॉस्ट की ज़रूरत है तो ये एग्जॉस्ट जो है खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है. इसके बाद ये इसका जो चार्जिंग सॉकेट है, ठीक. आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास इसके बाद हमने इसको रिले भी लगाया हुआ है, ठीक है. तो इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसमें हम आपको पूरा तफसील के साथ इसके जो कनेक्शन किए हुए हैं वो भी आपको बताएंगे. तो दोस्तों अगर आने वाली वीडियो में इसकी वायरिंग और इसके कनेक्शन और इसमें जो रिले इस्तेमाल किया हुआ है उसके बारे में आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आने वाली वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिले, ठीक है दोस्तों.
अब जब चलते हैं, जाते जाते आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें।